नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। हमारे सामने हैं डीसीपी क्राइम नरेंद्र कादियान जी। आज एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। एक गुलेल से कांड किया जाता था और क्या कांड किया जाता था इसका खुलासा करेंगे। हमारे सामने जो एक्यूज है उसको सीआईए वालों ने पकड़ रखा है और क्या कांड होता था अभी सर बताएंगे, खुलासा करेंगे। आप लोग देखिए, शेयर भी कीजिए ताकि जागरूकता फैले। सर जरा बताएंगे इसके बारे में। ये इम्तियाज़ सिवान बिहार का रहने वाला है और ये फ़िलहाल सूर्यनगर पल्ला के पास वहाँ रहता था और इसके पास पहले भी इसमें 20-25 मुकदमे रजिस्टर्ड हैं इसके खिलाफ। सब में ये गिरफ्तार हो चुका है, किसी पे जमानत पे जाता है नहीं जाता, कोर्ट से कईयों में फरार चल रहा है और कोर्ट से जमानत मिलते ही इसका यही पैसा है, गुलेल से गाड़ियों का शीशा तोड़ता है और फिर जितना भी उसमें कीमती सामान होता है वो सारा निकाल लेता है। 4-5 दिन पहले इन्होंने एक फॉर्चूनर थी उसका भी इसने ऐसे ही शीशा तोड़ के और उसमें से पिस्टल और उसके जितने भी कागजात थे वो सब निकाल लिए थे। तो पुलिस ने इसको अरेस्ट किया है और इससे जितना भी सामान है रिकवर किया है, अभी पिस्टल भी रिकवर किया है और इससे एक ये देसी कट्टा भी रखता था। अच्छा, अपने पास ये देसी कट्टा रखता था। ये देसी कट्टा भी रखता था, अगर भाई कोई इसको वो करे तो उसको डरा धमका के भाई इसको छोड़ दे वहाँ से। तो पुलिस ने इसको अभी कट्टे के साथ रंगे हाथ अरेस्ट किया है। पिस्टल तो फॉर्च्यूनर से बरामद हुई थी, पिस्टल रिकवर किया है। सर इसके ऊपर 25 केस हैं और बार बार जेल जाता है, जमानत कैसे मिल जाती है? ये जो कोर्ट के उससे हैं ये जमानत मिलती है, भी इसके बारे से पूछा जाएगा भी इसका कौन जमानती कौन एडवोकेट होता है। सर गाड़ियों का शीशा तो पत्थर से भी तोड़ा जा सकता है, तो ये गुलेल से क्यों तोड़ता? ये गुलेल से इसलिए तोड़ता था कि भाई उसमें आवाज़ ना आए, उसको प्लास्टिक का कुछ लगा के और फिर गुलेल से मारता था ताकि जो भी मालिक है उसको आवाज़ ना आए, पास में खड़ा उसको आवाज़ ना आए और फिर ये वारदात करता था। अब भी इसने जो ना आइस की निशानदेही पे हमने 24 वारदातों का खुलासा हुआ है जिसमें सभी में केस रजिस्टर है अपने। सभी केस फरीदाबाद के हैं सर? सब केस फरीदाबाद के हैं, 24 केस फरीदाबाद के हैं जो हम इसने अपनी डिस्क्लोजर में किया है। कौन से सामान ही चुराता था गाड़ियों में? गाड़ी के अंदर पर्स, लैपटॉप जो भी मिले इसको वो चुरा लेता था। ये सिर्फ गाड़ियों में वारदात करता था? ये सिर्फ गाड़ियों में वारदातें करता था, जो भी ये गाड़ियाँ पार्किंग में या कोई सड़क के आसपास जो खड़ी होती थी उसमें ये वारदात करता था। बहुत दहशत फैला रखी थी इसने। सर ये और लोग शामिल हैं? ये सिर्फ अकेला ही वारदात करता था, अकेला ही चलता था। कहाँ से पकड़ा गया सर? ये पल्ला गांव से पकड़ा गया है और इसने आगे लैपटॉप वगैरह काफ़ी जगह दे रखे हैं, अभी वो रिकवर करने बाकी हैं। अभी रिमांड पे लिया जाएगा? हाँ, अभी रिमांड पे लिया जाएगा। CIA 30 ने कार्रवाई की? ये CIA 30 इंस्पेक्टर विमल ने और इसकी टीम ने जो ने ये काबू किया है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये इससे 20-25 वारदातों का खुलासा हुआ है जो कि लोगों में कोई वारदात की है इसने अभी लेटेस्ट। क्या लेटेस्ट कोई वारदात? हाँ, ये डेली वारदातें करता था, डेली इसका हर रोज का काम था भाई, 2-3 वारदातें डेली करनी इसने। सर ये जिनकी पर्स चुराता था या बैग चुराता था उसमें कीमती कागजात होते होंगे जो है, तो ये उन कागजातों को क्या करता था? कागजातों को ये फेंक देता था। लोग परेशान होते? हाँ, लोग बस लोगों को कागजों की कीमत होती है, वो लोग फिर अपने परेशान रहते थे। पैसे का यूज किस चीज के लिए करता थे? तो दिक्कत हल्का मोड़ा रहता दिख रहा है, इतने पैसे का किया क्या? ये पैसे इसने एक प्लॉट लिया है फरीदाबाद में ही, हाँ, चोरी के पैसे से। कितने गज का? अभी ये 30-35 गज का बता रहा है कि लिया है और इसके वाइफ है, 2 बच्चे हैं और मौज मस्ती में पैसा उड़ाता है। कितने साल से चोरी कर रहा है? ये तकरीबन सट्टा भी खेलता है। अच्छा, सट्टा भी खेलता। हाँ, तो ये तकरीबन 9-10 साल से ये काम कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। गिरफ्तार होता है, जमानत पे आ जाता है, आते ही फिर ये काम करता है। आइडिया कहाँ से आया गुलेल वाला? ये दरअसल पैसे की जरूरत थी इसको, ऐसो आराम में आयासी में पैसा लगाने की जरूरत थी। तो फिर इसका पहले शीशा तोड़ता था, पत्थर से तोड़ता था, फिर इसका दिमाग में यह आया कि भाई लोगों को पता लगता है, फिर इन्हें बुलेट स्टार्ट कर दिया। ये
सर मैसेज क्या देना चाहेंगे फरीदाबाद की पब्लिक को, लोग बस मैं लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि भाई अपने गाड़ी जो है प्रॉपर पार्किंग में जहाँ गार्ड वगैरह है वहाँ पे खड़ी करें, और गाड़ी गाड़ी के अंदर कोई कीमती सामान ना रखें। जैसे फॉर्चुनर वाले ने एक पिस्टल रख दिया, अब ये पिस्टल उठा के ले गया, कोई हादसा भी कर सकता था। तो इस तरह का कोई कीमती सामान गाड़ी के अंदर ना रखें, और प्रॉपर पार्किंग में हो जहाँ गार्ड वगैरह हो। और सर जो ऐसी वारदातें कर रहे हैं ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस इन लोगों का तो यही है, सलाखों के पीछे रहना चाहिए, इनकी जमानत ना हो। जो कर रहे हैं उनको उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी। देख रहा भैया ऐसे काम मत किया करो, जेल जाना है। सर ये मैं कोई घर के छत पे ऊपर फेंक देता था, कहाँ रखता था? तो इसको रिमांड पर लिया जाएगा। हाँ इस पर रिमांड लिया जाएगा, और जितने भी लैपटॉप वगैरह हैं और वो सब रिकवर की जाएंगे इससे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। तो आप लोग देख रहे हैं एक कट्टा बरामद हुआ है और एक पिस्टल बरामद हुई है, दो हथियार हैं। बाकी एक्यूज को आपने देखा, हमारे सामने डीसीपी क्राइम नरेंद्र सिंह जी हैं जिन्होंने खुलासा किया है। अब ऐसा ना भाई, आजकल पर्स जेब में तो रखते नहीं।